हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम जानेंगे यूनिट डिजिट ऑफ 0, 1, 5 एंड 6 हैज ऑड एंड इवन पावर। मतलब उसकी पावर चाहे ऑड हो चाहे इवन हो, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है। एग्जांपल में बता रहा हूँ आपको, 100 की पावर है हमारी 2002। तो यहाँ पे हमें पता, जब 0 हो उसकी पावर चाहे कुछ भी हो, रिजल्ट हमारा हमेशा 0 ही आएगा। सेम केस 1 में भी यही है, रिजल्ट हमारा क्या आएगा 1। सेम प्रोसेस 5 के साथ तो 6 में भी है। तो हमारे क्वेश्चन कैसे भी आए और जहाँ पे एंडिंग नंबर मतलब यूनिट नंबर 0, 1, 5 एंड 6 है, वहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं करना आपको, आपको सेम नंबर उतार देना है। लेकिन जब बात 4 एंड 9 की हो तो वहाँ पे थोड़ा चेंज है। अगर 4 की पावर इवन नंबर है, एग्जाम्पल 4 की पावर 2, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा 16। तो यूनिट डिजिट क्या है हमारा 6। उसी तरह अगर 4 की पावर ऑड नंबर है तो रिजल्ट आएगा हमारा 64, जहाँ की यूनिट डिजिट क्या है 4। और 9 की बात करें तो 9 में इवन पावर में क्या आएगा रिजल्ट 1। 9 के स्क्वायर की बात करता हूँ मैं आपको, 81, और ऑड में क्या आएगा 9, 9 की पावर क्यूब 729। तो अब हमें आगे याद रखना है कि जब यूनिट डिजिट 0, 1, 5 एंड 6 होती है तो हमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है। जब 4 की पावर इवन नंबर हो तो 6 आएगा, और जब ऑड नंबर हो तो 4। और उसी तरह 9 में यूनिट डिजिट 1 इन द केस ऑफ इवन एंड ऑड नंबर में 9। थैंक यू।